स्पीकिंग मुझे हर साल पता होता है कि मुझे बिग बॉस के घर पे जाना ही होगा. यू नो मेरा एक जैसे वो शगुन का नारियल होता है ना, आई एम लाइक दैट. आई फील वेरी हैप्पी एक्चुअली, यू नो, बिकॉज इतने सारे कंटेस्टेंट्स रहे बिग बॉस में. और जब यू नो जब वो चार पांच या छह कंटेस्टेंट को चुना जाता है हर सीजन वापस अंदर भेजने के लिए, इन टर्म्स ऑफ छोटा कर लो बड़ा कर लो, इट्स वेरी एक्साइटिंग. एंड टू बी वन ऑफ देम इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट, बिकॉज आई रियली फील, यू नो, मेरे सीजन में बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला था. मैं डम्मू ब्लॉन्डू पता नहीं क्या क्या बोला था. उसके बाद यू नो मेरे सीजन से जिस हिसाब से मैं रिपीट हो रही हूँ, आई थिंक इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग फॉर मी. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कलर्स जिस तरीके से मुझे प्यार करता है. मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आपको कलर्स ने अडॉप्ट कर लिया है. तो बहुत अच्छा लगता है. यू नो आई थिंक एवरी एक्टर लव्स, अगर कोई प्रोडक्शन हाउस के साथ अगर आप रेगुलर काम करो, कोई एक्टर के साथ आप रेगुलर काम करो, और यू नो अगर आप उनके फेवरेट्स में रहो, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. उसी तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है. कहीं कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बिग बॉस के लिए आप लकी हैं? इसके लिए हर साल आपको बुलाया जाता है नहीं बिग बॉस एक्चुअली बिग बॉस मेरे लिए लकी है, तो वो लोग सोचते हैं कि हर साल इसे बुला लेते हैं ताकि वो ना यू नो बाकी का टाइम उसका अच्छा जाए. सो आई थिंक मेरे लिए तो वैसे ही है, बिकॉज आई थिंक बिग बॉस में मैं बहुत बहुत कुछ सीखी हूँ, यू नो, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ पीपल, कि कैसे कैसे लोग होते हैं और कैसे कैसे सिचुएशंस आते हैं, कैसे हैंडल करना होता है. तो आई थिंक बिग बॉस में ही मैं बड़ी हुई हूँ, यू नो, मेंटली मेरा जो ग्रोथ हुआ है दैट वॉज बिकॉज ऑफ बिग बॉस. सो आई थिंक या इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड इन माई लाइफ. अच्छा, आज 3 घंटे बिग बॉस के घर में रहना कैसा एक्सपीरियंस था? कैसा कंटेस्टेंट के साथ कैसा बॉन्ड रहा? कुछ बताना चाहेंगे आप? ऑफकोर्स जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर गई, मुझे लगा कोई मुझसे बात नहीं करो, मुझे आधा घंटा चाहिए इसे ऑब्जॉर्व करने के लिए, यू नो. बट बहुत मज़ा आया. कंटेस्टेंट्स में से कुछ लोगों को मैं पहले से जानती थी, एक दो जन को एक्चुअली, बहुत लोगों को नहीं. तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अंदर जाऊँ बात करूँ. सब लोग बहुत स्वीट थे, बहुत अच्छे तरीके से मेरा वेलकम किया दिल खोल के. और मैंने भी उनसे बहुत अच्छे अच्छे टास्क करवाए, एंड दे वर सो स्वीट. यू नो वो ऐसे नहीं थे कि अरे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया हम क्यों करें. वन थिंग वेरी नाइस अबाउट देम वॉज दैट दे रिस्पेक्टेड द गेस्ट बैक, यू नो. और वही दिखाता है कि कौन कितना अच्छा है घर में रहने के लिए, बिकॉज अगर आप किसी की बात नहीं सुनते हो, किसी को इंसल्ट करते हो, वो सामने वाले का कुछ नहीं जाता, यू नो, यू लुक बैड. तो मेरा हमेशा से यही मानना है, बिकॉज मेरे से जब कोई लड़ाई भी करता है तो मैं कभी भी रिवर्ट बैक नहीं करती हूँ, अनटिल अनलेस कोई यू नो उस लेवल क्रॉस कर दे, मैं चुपचाप निकल जाती हूँ. एंड आई ऑलवेज बिलीव, यू नो, जो इंसान जैसा करता है वो खराब लगता है, आप खराब कभी नहीं लगते हो, तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग. तो आई थिंक पीपल वर नाइस एंड दे अंडरस्टूड दैट यू नो ये 4th सीजन है, और थोड़ा सा पेपअप होना, बातें सुनना बहुत ज़रूरी है. और बाहर से अगर कोई आके कुछ करवा रहा है और बोल रहा है, मतलब वो आपके लिए अच्छा कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब हमारा भी सीजन होता था, कोई बाहर का इंसान आके कुछ बोलता था, हम उस पर सोचते थे कि अच्छा, मतलब कुछ गलत हो रहा है या कुछ कम हो रहा है, तो हम उसको यही रीजन होता है, बिग बॉस का मकसद होता है लोगों को अंदर भेजना, सो दैट यू नो यू टेल देम व्हाट टू डू, एडवाइस देम, यू नो, गिव देम गुड विशेस. कोई ऐसा कोई वीक में रिमी तो डिसइंटरेस्टेड है, सो आई कांट से वेदर शी इज़ वीक और डिसइंटरेस्टेड. बहुत बहुत क्लियर है, इसको कुछ नहीं करना है. वीक में दिगांगना इज़ वेरी वीक, यू नो, इन टर्म्स ऑफ एंड इवन युविका, ये दोनों थोड़े, बट युविका थोड़ा बोलती है, बट स्टिल आई फील बिकॉज आई डोंट नो, वो लोग का कुछ घर में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. जैसे सलमान ने कहा तो पीछे दिया लेके चलती है क्राउड में, वैसी वो एक्चुअली बेचारी बहुत क्वाइट है, बट दे आर वेरी स्वीट. और स्ट्रांग में तो बहुत सारे हैं, यू नो, इन दोनों को छोड़ के बाकी पूरा घर ही स्ट्रांग है. और फिलहाल सबका जो स्ट्रेंथ टीवी पे दिख रहा है ना, इट्स इक्वल. तो बोला कोई बोल नहीं सकता है कि क्या है. जैसे आज मैंने अमन को भी बोला, यू आर वेरी स्ट्रांग, बट आप सिर्फ फेस से स्ट्रांग लग रहे हो, हम ऑडियंस माइंड रीडिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप जो सोचते हो बोलो, अगर आप बोलोगे नहीं हमको पता कैसे चलेगा कि आप किस चीज़ पे स्टैंड ले रहे हो, किस चीज़ पे नहीं, और किस स्टैंड पे आपका क्या बोलना है हमको जानना ज़रूरी है. दैट इज़ वेन वी विल वोट फॉर यू, यू नो. सो आई थिंक ही सेड येस, अभी देखते हैं. बट ऋषभ ने तो काफ़ी धमाल मचा के रखी है घर में, तो देखते हैं क्या होता है. अब मज़ा आएगा. एक्चुअली शो अभी बिल्डअप होने वाला है आफ्टर दिस वाइल्ड कार्ड एंट्री, एंड द वाइल्ड कार्ड एंट्री इज़ क्वाइट वाइल्ड. सना, जैसे कि बिग बॉस से डबल एंटरटेनमेंट होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट कमी कमी आ रही है, तो आप हाँ, क्या कहेंगे उसके बारे में? आई थिंक डबल ट्रबल लोगों के लिए नहीं, बिग बॉस के लिए डबल ट्रबल हो गया है. बेचारे वो ट्रबल में है कि ये क्या हो रहा है. बट आई थिंक देखो क्या होता है ना बिग बॉस में, एक तो आप जाते हो नए नए लोगों को मिलते हो, ये सर्कमस्टांसेस लाइफ में किसी ने पर्सनली फेस नहीं किए, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है खुलने के लिए. यू नो कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी खुल जाते हैं, जैसे कुछ लोग खुले हैं और कुछ लोग अपना वक्त ले रहे हैं और वो खुल रहे हैं. तो आई थिंक
ये वीक अगर आप देखोगी तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज जो मैंने चेंज लोगों में देखा है, विच इज द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, तो मुझे लगता है अब लोग बहुत स्टैंड लेने वाले हैं। हमने उनके दिमाग में डाल के है, बोलो 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 बोलो, अदरवाइज आपका सबका विकेट डाउन होने वाला है वन बाय वन। तो जिसको अंदर रहना है, अगर आप सोचते हो आपको विन करना है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने एग्जैक्टली वो बोला है, मैंने कहा ये 3 महीना आपको इरिटेट होगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको लगेगा मुझे बाहर जाना है, बट जब आप बाहर आओगे आपको लगेगा शिट मैंने क्या मिस कर दिया। तो यू नो लिव द मोमेंट। सना, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस? यस, इट्स वन प्रोजेक्ट दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन जैन, व्हिच इज टॉम डिक एंड हैरी पार्ट 2, व्हिच इज अ कॉमेडी फिल्म, एंड आई एम प्लेइंग अ पारसी गर्ल, पारसी क्रैकपॉट। तो विल बी फन टू डू अ कॉमेडी फिल्म, एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। या नीरज वोरा इज राइटिंग द फिल्म्स, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं ही सच अ ग्रेट राइटर, उनकी सारी हेरा फेरी हो या यू नो दूसरी कॉमेडी फिल्म्स वो हैज डन ग्रेट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो लेट्स सी क्या होता है। नहीं है, बट डेफिनेटली आई थिंक सलमान ने मुझे एक ब्रेक दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, अब इसके बाद मुझे अपना वर्थ प्रूव करना है कि मैं जो उन्होंने ब्रेक दिया है मैं उसकी लायक हूँ। जब मैं प्रूफ कर लूँगी आई एम श्योर मुझे कुछ और काम देंगे। ऑडियंस के लिए दिवाली की शुभकामनाएं। यस, मैं सना खान सारे ऑडियंसिस को अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ। अच्छी दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, मिठाई बांटिए, कल यू नो दिए जलाइए, लाइट जलाइए, इको फ्रेंडली रखिए, ट्राई टू यूज़ नो क्रैकर इफ़ पॉसिबल। जो नॉइज़ वाले क्रैकर होते हैं और जो डिस्टर्ब करते हैं प्लीज़ उसे यूज़ मत कीजिए, उससे एयर पोल्यूशन भी कम होगा, नॉइस पोल्यूशन भी कम होगा और हमारी बीएमसी भी बेचारी कम थकेगी। सो यू नो ट्राई कि आप वो पैसा सेव करके किसी गरीब को खाना खिला दीजिए इंस्टेड, क्योंकि फिलहाल महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है। थैंक यू।